नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्र। आज से तेज गति की खबरों का नया अंदाज देखिए सुपर 9 के साथ। नमस्कार, सुपर 9 में मैं हूं आपके साथ आदर्श झा। दिल्ली, मुंबई, छोटे शहर, बड़े शहर, आपके शहर की हर खबर को समेटे हुए है सुपर 9। शुरुआत देश की बड़ी खबरों के साथ जो राजधानी दिल्ली में हर किसी की जुबान पर है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, आरोप लगाने वाली महिलाओं के खिलाफ आज मानहानि का केस दर्ज करा सकते हैं। कल विदेश दौरे से लौटने के बाद एमजे अकबर ने यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया था और केस करने की बात कही थी। एमजे अकबर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अब कांग्रेस आक्रामक हो गई है। शकील अहमद ने कहा आरोपों के बाद एमजे अकबर को इस्तीफा देना चाहिए। एमजे अकबर पर लगे आरोपों को लेकर बीएसपी नेता सुधेंद्र भदौरिया ने सरकार को घेरा, कहा गंभीर नहीं दिख रही बीजेपी। गुरुग्राम में एडिशनल जज की पत्नी का आज अंतिम संस्कार होगा। शनिवार को जज के गरल ने गोली मारकर हत्या की थी। अब तक हुई पूछताछ में आरोपी महिपाल बार बार अपना बयान बदल रहा है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों से परेशान था। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कर्नल महिपाल जज की पत्नी और बेटे से नाराज रहता था, हालांकि नाराजगी की वजह क्या है ये पता नहीं। गुरुग्राम केस में आरोपी कर्नल महिपाल के परिवार का कहना है कि उसका पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच देश विदेश की कई पेट्रोलियम कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने से ग्राहकों को राहत, लेकिन डीजल 8 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 82.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 75.46 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। चलिए अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की लोकल राजनीति की खबरें दिखाते हैं। दिल्ली में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की शिक्षा परीक्षा में जाति सूचक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। ITO के स्काई वॉक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको बताएं कि आज इसका उद्घाटन होने वाला है और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरवीर सिंह पुरी इसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ आपको ये पूरा जो स्काई वॉक है ये दिखा देते हैं। बेहद शानदार ये स्काई वॉक बना हुआ है, जो आम लोग होते हैं उनके लिए सहूलियत ये पैदा करेगा। ITO से ये तिलक मार्ग की तरफ बना है। अब खबरें अपराध जगत की। सबसे पहले दिल्ली NCR का क्राइम। दिल्ली के मंगोलपुरी में दो बाइक सवार दुकानदार को गोली मारकर फरार, हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पुलिस के मुताबिक 15 दिन पहले दुकानदार से गुटखा खरीदने पर आरोपी की कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। हरियाणा के फरीदाबाद में फर्जी बाबा पर महिला से रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 बाइक सवारों की मौत, आरोपी ड्राइवर फरार। तीनों मृतक दिल्ली के रहने वाले, जिनमें से 2 चचेरे भाई थे और वो दिल्ली के छतरपुर में एक फार्म हाउस में जा रहे थे। दिल्ली में साईं बाबा के भक्तों का प्रदर्शन, साईं बाबा के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग। दिल्ली में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की शिक्षा परीक्षा में जाति सूचक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षक परीक्षा में जाति सूचक सवाल पर भड़के दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, कहा चीफ सेक्रेटरी से करेंगे बात। 2019 में चुनाव में चंदा जुटाने के लिए आम आदमी पार्टी डोनेशन ड्राइव चलाएगी। इस कैंपेन को आपका दान राष्ट्र का निर्माण नाम दिया गया है। तो आदर्श, चलिए अब अपने दर्शकों को दिखाते हैं दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला पर क्या हो रहा है। दिल्ली के दिल की बात देखते हैं। दिल्ली के लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला का भव्य मंचन। दिल्ली के चाणक्यपुरी में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी गरबा कार्यक्रम में पहुंची। राजधानी दिल्ली में नवरात्र के मौके पर दिखी हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम समाज ने आयोजित कराया नवरात्र का कार्यक्रम। ये है ABP News, आपको रखे आगे।